गुलाब जामुन बताने जा रही हूँ जो एकदम हलवाई जैसा बैठता है और इसका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट है। तो इसमें कुछ सीक्रेट बातें हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलिए देखते हैं कि इसकी सीक्रेट टिप्स क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए 700 ग्राम चीनी और 700 मिलीलीटर पानी। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे। इसे हम कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे जब तक कि इसकी चीनी पूरी मेल्ट ना हो जाए। चीनी मेल्ट होने के बाद में हम इसे 10 मिनट और चलाएंगे गैस पे। गैस का फ्लेम आप फुल रख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस इसको हिलाते रहें, बीच में छोड़े नहीं। चाशनी बनने नहीं देना है हमें, इसमें सिर्फ चीनी ही मेल्ट करनी है। इसमें मैं कुछ पत्तियां केसर की डाल रही हूँ और 2 पिंच इलायची पाउडर है मेरे पास, इसे ऐड कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चीनी मेल्ट होने में ही है। मेल्ट होने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए और हिलाऊंगी और गैस को बंद कर दूंगी और चाशनी को पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए 10 मिनट के बाद में मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तार नहीं बन रहा है मेरा, मैंने चाशनी नहीं बनाई है। इसे इस तरीके से हमें गुलाब जामुन के रस को तैयार करना रहता है। आज मैं आपको गिट्स से बनने वाले गुलाब जामुन कैसे बनते हैं वो बता रही हूँ। उसके लिए मैंने ये गिट्स के 200 ग्राम का पैकेट लिया है पाउडर। अब इसे मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये गुनगुना 1 गिलास दूध है, 100 से 150 ग्राम के आसपास है ये दूध। अब इस दूध को इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें इसका आटा लगाना है। दूध हम एक साथ में नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे मैश करते रहना है। हमें टाइट आटा नहीं लगाना है इसमें। एक बार चाहे तो आप पतला कर सकते हैं, बाद में वापस ये टाइट हो जाता है। इसमें मिल्क पाउडर ऐड रहता है, मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब करता है, इसलिए थोड़ा गीला हो तो आप टेंशन ना लें। इस तरीके से हमें इसे मथते रहना है। जैसे जैसे मथेंगे ये आटा फिर से टाइट होने लगेगा और हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध फिर से ऐड करेंगे। कम से कम 100 से 150 ग्राम दूध ये आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से टाइट होना चालू हो गया है। अब मैं इसमें फिर से दूध ऐड कर रही हूँ। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, गुठली आएगी या फिर उसमें खड्डे पड़ने चालू हो जाएंगे या बीच में से क्रैक्स आने चालू हो जाएंगे। इसलिए इस तरीके से हमें इसे मथना है अच्छे से, एकदम स्मूथ डो तैयार करना है, कहीं पे भी गुठी ना रहे फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने एक फ्लैट पराती ली है इस तरीके से। हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही मथेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से थोड़ा दूध ले रही हूँ। एक बार हल्का सा गीला हो चलेगा, बाद में फिर से ये टाइट हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं करना है हमें। देखिए अब इसे यूं ही मथते रहेंगे और ये धीरे धीरे पैन के नीचे टाइट होता रहेगा, कहीं पे भी गुठली नहीं रहनी चाहिए।
तभी आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे और स्मूथ बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से टाइट हो रहा है धीरे धीरे। अब इसमें मैं और ज़्यादा दूध ऐड नहीं कर रही हूँ, ये चारों तरफ से स्मूथ हो चुका है। देखिए ये टाइट होना चालू हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके का कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके इसे सब जगह साथ सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, इस डो को मेरे पास एक ये गीला कपड़ा है उसे इस तरीके से ढक के रख देती हूँ। उसके बाद हम हाथ को फिर से अच्छे से वॉश करके आएंगे ताकि हाथ में हमें कुछ हमारे कुछ चिपका नहीं रहे। जो भी आटा मेरे हाथ में लगा था उसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस तरीके से छोटे छोटे मीडियम साइज़ के 5 से 7 इक्वल साइज़ की लोई तोड़ेंगे ताकि वो छोटी बड़ी ना रहे। इस तरीके से तोड़ेंगे और मैंने थोड़ा सा घी लिया है हाथ में, इस तरीके से घी लगा के एक लोई लेंगे और उसे अच्छे से राउंड शेप देंगे, इसमें कहीं भी क्रैक ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से चेक कीजिए कि कहीं पे ये क्रैक है या नहीं, क्योंकि हमें इसमें कहीं क्रैक नहीं रहने देना है। अब ये मेरे पास कुछ मखाने हैं जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, इसके अंदर चने नहीं हैं, बिना चने के सिर्फ ये शक्कर के चने हैं। अब हम इसे इस तरीके से खड्डा करेंगे बीच में और एक मखाने को इसमें डालेंगे और फिंगर टिप्स से थोड़ी सी इलायची इस तरीके से लेके इसमें प्रेस करेंगे और एक पत्ती या दो पत्ती इलायची की केसर की डालेंगे और ऊपर से इसको इस तरीके से बंद करना है ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बॉल्स बनाने हैं। सारे बॉल्स को मैं इस तरीके से तैयार कर लूँगी, कहीं पे भी क्रैक ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, बाकी आटे को भी हमें इसे ढक के रखना है ताकि ये ड्राई ना हो, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। इस तरीके से हमें बॉल बनाना है, बीच में प्रेस करना है और एक मखाने को ऐसे फिर फिंगर टिप्स से इलायची को ऐसे दबाएंगे और एक पत्ती केसर की रख के हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें राउंड शेप देना है और अच्छे से हमें चेक करना है कि कहीं से ये क्रैक तो नहीं है, नहीं तो तलते टाइम ये क्या होगा, खुल जाएगा और गुलाब जामुन हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। और ऊपर का जो पोर्शन है एकदम स्मूथ होना चाहिए, रफ नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी ये बॉल्स बनाए तो ध्यान रहे कि ये जो गुलाब जामुन के बाहर के पोर्शन है वो रफ ना रहे, एकदम स्मूथ रहे और कहीं पर भी क्रैक नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एकदम ध्यान में रख के बनाएं तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। और इसके अंदर जो मैंने मखाने डाले हैं उससे क्या होगा, जब ये गुलाब जामुन हम तलेंगे तो मखाने अंदर से मेल्ट हो जाएंगे और गुलाब जामुन में जो खड्डा रहता है, जब भी हम खाते हैं तो देखा है कि उसमें थोड़ा सा होल रहता है, वो इस वजह से रहता है। तो आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये घी गर्म करके रखा है, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमें घी। अब इस घी में मैं एक एक करके इस तरीके से इस गुलाब जामुन को डालूंगी और फ्राई करूंगी। स्टार्टिंग में हमें पकड़ लेके
इस तरीके से धीरे धीरे इसे हिलाना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं। बाद में हम किसी भी चलनी से धीरे धीरे इसे हिला सकते हैं। तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहे, नहीं तो ये तुरंत लाल हो जाएगा। इस तरीके से लो फ्लेम में धीरे धीरे हमें इसे फ्राई करना है। बीच में हमें छोड़ना नहीं है। अब इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से इक्वल कलर आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे गुलाब जामुन बने हैं, कहीं से भी ये फटे नहीं हैं। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा हमें फ्राई करना है। देखिए ये गुलाब जामुन डार्क ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन से थोड़ा सा डार्क लिया है। अब इसे तुरंत हम जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें हम इसे डालेंगे। सारे गुलाब जामुन को ऐसे ही हमें बनाना है। और इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी में डुबा रहने दें। देखिए फ्रेंड्स, 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो बनाई थी गुलाब जामुन वो कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने अच्छे और जालीदार बैठे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने गुलाब जामुन बनाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। देखिए मैंने इसे इस तरीके से बरग और पिस्ता से डेकोरेट किया है, आप चाहें तो इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं।